तो हेलो फूडी, स्वागत है आपका फूडी संसार चैनल पे। तो आज हम कुछ हटके ट्राई करने जा रहे हैं। जैसे आज हम लोग करने वाले अपने चैनल में पहली व्लॉग शूट, और आज हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे। न्यू लोकेशन है, वो है छांगीपुरी में। उधर हम लोग आनंद लेने वाले अनलिमिटेड गार्लिक ब्रेड और अनलिमिटेड पिज्जा, वो भी मात्र सिर्फ एक रुपए में। पर ऐसा होगा नहीं, उनकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी जो वहां जाके हम उनकी सुनेंगे और क्या होगा। और आप उस वीडियो, अगर वो वीडियो भी आ जाएगी इस व्लॉग से पहले ही, अगर वो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को करना लाइक। और चलिए चलते हैं अब अपनी लोकेशन पे। हेलो फूडीज, अब हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पिज्जा दरबार। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि यहाँ एक टर्म्स एंड कंडीशन तो रहेंगी। क्या टर्म्स एंड कंडीशन? 250 रुपए में 4 पैसा मिल तो रहे हैं, बट इसमें कंडीशन ये है, एक अगर सिंगल बंदा खाता है तो 1 रुपए में एक और पिज्जा मिल सकता है उनको, अनलिमिटेड पिज्जा। बट जैसे कि हम यहाँ पर 3 जने आए हैं तो हमें वो चीज नहीं मिलने वाली। ओहो, तो मतलब एक तरह से मतलब काफी ज्यादा मिसलीड करा गया मेरे को यहाँ, ये लग रहा है। तो चलिए हम इनके पर पिज्जा का टेस्ट हमें मेनली देखना है। पिज्जा का टेस्ट तो देखते देखते और मेकिंग भी आपको जरूर दिखाएंगे, तो वो तो आप वीडियो में देख ही लोगे जो आपकी इससे पहले वीडियो आ ही चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं। के बहुत हेक्टिक शेड्यूल था हमारा। अब हम यहाँ से बैठ के जा रहे हैं छोले भटूरे खाने, घनश्याम के छोले भटूरे, जिनकी आपने वीडियो भी देखी। पर यार आज हम वीडियो बनाने गए, उन्होंने एक तो बहुत इंतजार करा, बहुत लेट आए। और यार मतलब इतना वेट करने के बाद ऐसा पिज्जा मिले, मतलब पिज्जा ठीक था 100 रुपीज का, 2 पिज्जा तो मतलब बढ़िया नहीं था, मतलब टेस्ट बढ़िया। हाँ मतलब इतना बढ़िया पिज्जा लगा नहीं, बट खटास थी पिज्जा में, वो आपने रिव्यू में देख ही लिया होगा। और अब हम जा रहे हैं हमारे फेवरेट घनश्याम के छोले भटूरे खाने, जो हम अक्सर खाते रहते हैं, और उसकी हमने वीडियो भी कवर की थी, तो आप वो वीडियो भी देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी। तो चलिए चलते हैं घनश्याम जी के छोले भटूरे खाने, और साथ में लस्सी भी होगी। लस्सी पी लेंगे यार, बहुत गर्मी पैक करेंगे यार, क्योंकि लेट हो रहा है, घर पैक करेंगे और चलते हैं बस घनश्याम जी के छोले भटूरे खाने। तो दोस्तों हमारा पिज्जा दर या फिर वो पेट नहीं भरा, अब हम आ चुके घनश्याम के छोले भटूरे। संडे गुजरता है, आज तो संडे और दिन तो गुजरता ही नहीं, तो अपने छोले भटूरे खा रहे, तो अपने पैक कराने घर जाके, बिल्कुल भी हमारे घर जाके उनका आनंद लेंगे। तो चलते हैं और हमने, और रात के लिए आपके सर हम शायद जा सकते हैं मूवी देखने, तो उसके भी ग्लिम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर दिव्यांश के मन करे तो गलत चीज है, मतलब काम है ना मेरे को रात को। ओह, 10 बजे कौन सा काम होता है, मुझे ये बता दीजिए। कट कर देना प्लीज इसे भाई। एक प्लेट मैंने लिया और साथ में ली लस्सी। और आपने क्या क्या लिया? 1.5 प्लेट छोले भटूरे, 1 ग्लास लस्सी। क्या घर वालों के लिए भी लिया क्या, या खुद अकेले 1.5 प्लेट का? आज ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। क्या प्रांजल सर से बात कर लेंगे, बात कर लेंगे। चल यार, लस्सी खुल तो नहीं जाएगी भाई? पता नहीं यार, खुलनी तो नहीं चाहिए इन्होंने। अरे क्या जा रहे हैं, गाड़ी तो तेरी है ना। पप्पा जी मारेंगे हमें। इमोशनल डैमेज भाई, अगर आप सच्चे दिल वाले हो, दिल्ली वाले हो ना, तो छोले भटूरे बिना तो आपका संडे जा ही नहीं सकता। जा सकता है सिद्धार्थ भाई? मेरे घर से तो नहीं जा सकता भाई, छोले भटूरे तो शान है रे। तो भाई तू इसको अब अपने घर मतलब मेट्रो स्टेशन तक छोड़ रहा है ये बंदा, मेरे को घर छोड़ रहा है, देख लो। नहीं नहीं यार, छोले दिल्ली, दिल्ली जैसे शहर में किसी एक अनजान लड़के को बीच रास्ते में नहीं छोड़ रहे। हाँ वैसे मैं आपको नोन कर दूँ, ये इसके कॉलेज का फ्रेंड है और ये रायपुर से आया है ना। रायपुर का छोकरा है यार, अरे मानता नहीं है भाई, क्या बोले। तो मतलब तू इसको कहाँ तक छोड़ रहा है? मैं इसको बंसी वाला छोड़ रहा हूँ, मतलब जो हमारे घर के मतलब इसकी लोकेलिटी, मतलब वहाँ से इसको 10 रुपए लगेंगे बस। क्या बोनट में लेड़े आऊंगा, छोले भटूरे ठंडे हो जाएंगे भाई, चिरचिरे हो जाएंगे भाई। नहीं होंगे, जिस हिसाब से गाड़ी चला रहा है ना, अगर ये मुझे चाहे तो 2 सेकंड नहीं लगे। ऐसे नहीं बोलते भाई, ऐसे मत बोल भाई। भाई कितने 40-50 की स्पीड में चला रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। देख लो यार आप कितनी कम स्पीड है, देख लो 0 ही है। हाँ भाई ऐसा मत बोले यार, मतलब तू चालान कटवाना चाह रहा है। रिठाला रिठाला, एक सवारी 10 रुपए लगते हैं यार, बिठा लेना अगर रस्ते में बिठ जाएगा। चलो यार भाई, इतना सा दूर है और ये उस चीज के 20 रुपए दे रहा है। चल बाय बाय सुजन,
मिलते हैं यार, आपका बड़ा आभार। आप हमारे शाम का प्लान बना, शाम को शाम का प्लान नहीं, शाम का प्लान बना, शाम का प्लान बना, और मेरे को फिर रिठाला तक आओगे लेने। ठीक, अबे रिठाला चलो बाय बाय, मूवी चल रहे। ओके ओके, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। तू लेने आएगा? तू रिक्शे से आएगा? पर अबे यार रिठाला तक आ गई। चलो जी, स्टेशन को तो छोड़ दिया है, अब तेरे को फटाफट घर उतार के फेंक के मैं निकलता हूँ अपने घर। छोले भटूरे मेरा वेट कर रहे हैं यार। गाने तो बंद कर दिए, अब आप भी उतर जाओ, हमें जाना है, हमें छोले भटूरे खा रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। मेरे छोले भटूरे ठंडे नहीं हो रहे मतलब? अरे तो 1.5 मिनट खा रहे मुझे। हैशटैग जिम जिम रंजन सर। भाई कसम से तेरे क्या मतलब, तेरे से जो कार्डियो कराएंगे ना सर भाई, मतलब खत्म कर देंगे कसम से। अब तो वो कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, पतले होके दिखाएंगे। 2 महीने रुक जाओ, बस 2 महीने का वेट कर लो, फिर अपना वीडियो को मतलब बिफोर आफ्टर करके देखना। बिफोर आफ्टर पक्का, 2 महीने रुक जाओ बस, पेट कम हो जाएगा मेरा। तो चलिए मैं भी अपने छोले भटूरे लेके निकलता हूँ, और आप जाओ अपने घर, डेट प्लेट का आनंद लो। आनंद निकलो अब जल्दी। चलो ठीक है, मिलते हैं। रात का प्लान अगर मेरा 4 बजे तक मुझे बता देना, जैसा भी होगा, मैं जाना है मूवी देखने, खत्म बात। 10 बजे का शो है, डन जाओ, चलो जल्दी उतरो। चलो ठीक है बाय दोस्तों, अब आपको मिलते हैं मूवी देखने के बाद अगर जाएंगे। हाँ भाई आ गए, पास आके बोल। इतना भी बढ़िया फोन नहीं है कि मतलब आवाज चली, खराब कर दिया। सुबह से सपने देख रहे थे, जाएंगे मूवी में, मूवी जाएंगे। तो क्या मूवी देखने क्यों नहीं गए हम? मत बोल, मत मुंह खुलवा मेरा। मैंने कुछ करा? मैंने कुछ भी नहीं करा। अच्छा, कुछ नहीं करा ना? मैंने क्या करा? मैंने क्या करवाया? मैंने क्या कैंसिल करवाया? चुप रहा यार, दिमाग खराब होता है मेरा। गोलगप्पे खिला के रहा भाई, गंगू खिला रहा। गंगू ताई देखने की जगह तू गंगू ताई के गोलगप्पे खाने जा रहा, झुंड देखने जा रहा था। ये भी नहीं पता ही नहीं है, आधे घंटे पहले था। टिकट बुक कर दे या टिकट बुक करनी है? दिमाग खराब कर दिया यार। वो मेरी गलती नहीं है भाई, वो तेरी गलती है, कसम से मेरी गलती नहीं है। चलो यार, चलो गोलगप्पे खिलाओ, चल। मैं गोलगप्पे खिलाऊं? सुबह पिज्जा खाया, उसका छोले भटूरे, 1.5 प्लेट छोले भटूरे खाया तूने? डेढ़ मैंने नहीं खाया, मैंने एक ही भटूरा खाया बस। क्या बोला तू? एक ही खाया मैंने भटूरा, और आधा गिलास लस्सी पिया। बोल, एक प्लेट तू लेके गया था तो घनश्याम, एक गिलास लस्सी भी तू लेके गया था? मैं नहीं लेके गया, मैंने मेरे घर वालों को दिया, मैंने अपने लिए नहीं लिया। अरे रहन दे भाई, तू अपने घर वालों को दिया जरूर। अच्छा तो कहाँ चलना अभी? कृष्णा घाट भंडार पे जा रहे हैं, गोलगप्पे खाने। तो गोलगप्पे खाने चलने क्या, सिर्फ अंदर? चलो आयुष को बुला लेते हैं, आयुष भाई को बुला देते हैं। चलो ठीक है, फिर अपने एक और दोस्त को बुलाते हैं, और उसके बाद आपको मिलवाते, उसका बाला वाला डांस करवाएंगे आज आपके साथ। कॉपी रहना था, कोई दिक्कत नहीं, बाला वाला चीज चलाएंगे। ठीक है तो चलिए अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं। तो ये हमारा दोस्त, इनके बीच में पता नहीं क्या ही चल रहा है। आयुष जाने मन, इनके जाने मन तो कोई और ही है। ये यूट्यूब पे डालने वाली है, देखो ये यूट्यूब पे डालने वाली है, और उसने ये चीज बोल दी अभी। कसम से लॉक शूट हो रहा है भाई, ऐसी दाढ़ी कटवा लिया है, कैसा क्या बोलूं, वो वर्ड बोलना नहीं चाहता मैं अभी। क्यों नहीं रख सकता, उसने मना कर दिया क्या? ये भाई ये उस पे जा रहे हैं यूट्यूबर, ये क्या क्या बोल रहे हैं तेरे लिए? कौन है तेरी? कौन है यार? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। थोड़ी कसम से नहीं, जस्ट अभी देख रहे, मेरा ब्लॉग को ध्यान था। सिंसियर ब्लॉगर हूं मैं अभी, जरूर जरूर सिंसियर। क्या काम करा रहा है यार? तो फूडी, एक काम कर दे, तो फूडी सेंटर पे पहला ब्लॉग जा रहा है भाई, उसी के लिए ही हो रही है। अच्छा अच्छा, एक काम कर, सुनना सुनना सुनना, बकरे भी तो चाहिए थे, और वो भी मीठा बकरा। अगर आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो तो आप लोग जानते हो कि सौरभ जोशी कौन है। वैसे मैं यूट्यूब चलाते तो सौरभ जोशी बताए, ये थोड़ा थोड़ा सौरभ जोशी जैसा नहीं लगता। इसके बाल देखो, मैं वैसे बनाता हूँ। हाँ, रुक 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 जरा, ऐसे रहे सौरभ जोशी। ये वो ठाकुर वाले। अब देख, मैंने गाड़ी की ये भी चला दी, ठीक है, लाइटिंग का थोड़ा इशू कम आ रहा है, मेरी आंखों में लग रही है रोशनी भाई, फिर लाइट नहीं आएगी ना तभी रोशनी करोगे तो। अच्छा चलिए, इसको स्पॉटलाइट में रहने की आदत हो गई है ना। अच्छा सुन भाई, देख अब सीन क्या है, ये बाला वाला डांस करने वाला है, ठीक है? तो मुझे पता है। हाँ भाई करना पड़ेगा, भाई करना पड़ेगा, बाला वाला आदि नहीं यार, तो तू पुराने वाला डाल देना यार। पुराने वाला जब अपने तेरी छत पे नाचे, मेरी छत पे नाचे, बोल मैं तेरे वास्ते नाची रहे।
पहले गाना भी चला रहा हूँ। अरे जल्दी बजा जल्दी बजा। अरे तू बजा ना, तू बजा। चल चल थोड़ा तेज तेज से। भाई क्या सीन देख लिया भाई। अब मैं तेरे को, तू गोली अपने छोड़वा, मैं तेरे को टिक्की तक खिलाएगा, तू बोल क्या खाएगा दिखा क्या। अरे वो तो ब्लॉग ब्लॉग आएगा भाई पब्लिक के साथ देखने का। क्या करूंगा क्या ही करेगा, जो होना तो हो गया। तो तेरे को तो ये भाई व्लॉग में देखने को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। व्लॉग जब पब्लिक के साथ देखेगा भाई तब देखियो भाई। अगर ये अब आपको ये इसके साथ साथ ना इसको जो पहली वाली वीडियो थी वो भी थोड़ी कंबाइन कर देंगे, दोनों मूड में देख लेंगे आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर। भाई बार ये डांस देखने का, अगर हमने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भाई कंटेंट कर दो यार, इसको मुजरा करवा अपने बीच सड़क पे कर दो यार, तुम लाइक नहीं बीच सड़क पे भाई कर दो यार, क्या कर रहे हो, लाइक तो करो कम से कम। चल आप गोलगप्पे 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 मीठू गोलगप्पे, तो चलते हैं फिर गोलगप्पे खाने और कृष्णा लाल भंडार और कौन सा ही हमारे पास। तो चलिए चलते हैं गोलगप्पे खाते, गोलगप्पे का आनंद। तो चलो लौंडो गोलगप्पे खा लिया आपको कितने साल का लगता है कॉन्ट्रोवर्सी ला रहा भाई, तो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, सौरव जोशी का छोटा भाई है ये। अच्छा 19 काफी हो चुका है आज, हम बहुत खा चुके हैं, मेरे तो मोमोज खाने का मन, पिज्जा भी खा चुके हैं, बटर भी खा चुके हैं, संडे हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मोमोज ही खाएंगे अब। मैं तो मोमोज खाऊंगा, तू खाएगा भाई? तो ब्राउनी खाते हैं। नहीं मैं तो मोमोज खाऊंगा, अरे भाई सेम आ रहा है, मैं तो मोमोज खाऊंगा। और बढ़िया लगे ना गोलगप्पे, आना हो आपको तो सेक्टर 11 कृष्णा चाट भंडार, G3 के बिल्कुल अपोजिट पड़ जाता है, G3 की बैक साइड अपोजिट। तो चलिए अब सदेवा मोमोज खाने चलते, पनीर मोमोज खाएंगे ठीक है, सदेवा मोमोज चलते। तो भाई अब हमने मंगवा दिया पनीर मोमोज, हमारा पहला व्लॉग था, हमें कमियां जरूर बताना इस बार, फीडबैक भी अपना देना, और गलतियां तो बहुत ही ज्यादा हुई होगी वो तो मेरे को एडिटिंग करते वक्त पता चली जाएगा। तो और भी आगे आने वाली अमेजिंग व्लॉग्स आने वाली है, आप उसका भी इंतजार करना, तब तक के लिए वीडियो को करो लाइक। और एक सेकंड, हमारे आयुष भाई का डांस हुआ यार, इस बारे में भी जरूर लिखना भाई, कैसा लगा आपको डांस, कैसा लगा डांस। और आएंगे और व्लॉग्स और जाने साहब फीस भी आने वाली है, जल्दी आने वाली है, जल्दी आने वाली है, हम उसको शूट करने जाएंगे, अभी तो आज यही शूट किया, ये भी धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे, पहले ही आएंगे फिर व्लॉग आएंगे बाद में। तो तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ओके दोस्तों बाय।